राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आज बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट टर्मिनल को तुरंत खाली करा दिया गया और वहां मौजूद सभी एयरपोर्ट कर्मियों, एयरलाइंस स्टाफ और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने टर्मिनल को घेर लिया और जाँच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि इससे पहले भी विमानों में बम होने की धमकी मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर देखते हुए टर्मिनल को पूरी तरह खाली कराया गया था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां टर्मिनल बम की सूचना की गहनता से जांच कर रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर फिलहाल फ्लाइट संचालन और गतिविधियां चालू कर दी गई हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।